एवरीवन, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th रिप्रोडक्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स के नेम सिर्फ डिस्कस किए थे, वो नेम्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करे थे उस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जितने भी असेक्सुअल के जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं और असेक्सुअल के जितने भी पार्ट्स है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से रिकॉल करा देती हूं आपको कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या थे पार्ट्स और क्या क्या मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इस क्लास 10th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला था हमारा फिजन, दूसरा प्रोसेस था बडिंग, तीसरा था फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारे पार्ट्स किसके हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। उसके बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजन, कि फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन कितने टाइप का होता है, फिजन कैसा मैथड है, असेक्सुअल मैथड है, क्या क्या होता है फिजन में, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक का जिसका नाम है फिजन। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगी संस्कार माथुर को, जिसने मुझे कहा था कमेंट के अंदर कि मैम जब भी आप नेक्स्ट वीडियो डालोगे मुझे प्लीज शाउट आउट देना। तो प्लीज संस्कार, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वापस से सारे वीडियोस को रेगुलरली देखिएगा और कमेंट और लाइक जरूर करिए और आगे जितना हो सकता है इस वीडियो को प्रमोट करें, ताकि जितने भी बच्चे हमारे 10th में हैं वो ये वीडियो से पढ़े और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का फिजन। फिजन मतलब क्या होता है? फिजन मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। फिजन मतलब ब्रेकडाउन होना। जब भी एक पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट का जो सेल होता है और जो पेरेंट होता है, पेरेंट के अंदर का सेल अगर दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो उसको फिजन बोलते हैं। बेसिकली जो फिजन वर्ड है ना, फिजन का हिंदी मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होना, ठीक है। तो जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है, या तो दो पार्ट्स में हो या तीन पार्ट्स में हो या चार पार्ट्स में हो, वो चीज फिजन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 5-star चॉकलेट है और मेरे पास तीन फ्रेंड्स थे और मुझे 5-star चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मेरे पास 5-star थी लेकिन सामने मेरे बिल्कुल तीन फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली मैंने उस 5-star के कितने टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर दिए और तीनों फ्रेंड्स को अलग अलग दे दिया ताकि तीनों में लड़ाई ना हो। सेम वही चीज है, जैसे जो भी चीज का ब्रेकडाउन होता है उसको हम फिजन बोलते हैं। यहां पर भी फिजन वही है, फिजन का मतलब ही होता है बेटा ब्रेकडाउन। तो यहां पे किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? पेरेंट सेल का। जब पेरेंट सेल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में जब सेल टूटता है पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट मतलब जो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो चाइल्ड दे रहा है, जो ऑफस्प्रिंग दे रहा है, अगर वो छोटे पार्ट्स में टूट रहा है और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है और उसके सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो प्रोसेस बेटा कहलाता है फिजन, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। अब फिजन भी दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम फिजन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिजन का मतलब होता है द ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल एंटिटी इनटू टू और मोर पार्ट्स। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है, सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, पेरेंट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट का ब्रेकडाउन होगा तो ही तो हमें ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड मिलेगा, ठीक है। एंटिटी का मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म टूट के दो या दो से ज्यादा पार्ट में वो टूट रहा है और एक ऑर्गेनिज्म से दो या दो से ज्यादा कुछ ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं अकेले। देखो यहां वर्ड यूज हुआ है सिंगल एंटिटी, ठीक है, सिंगल का मतलब क्या होता है? अकेला। बिकॉज आप किसके पार्ट्स पढ़ रहे हो? आप असेक्सुअल के पार्ट्स पढ़ रहे हो। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, असेक्सुअल का मतलब ही क्या था? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कितना पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। असेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? ओनली सिंगल पेरेंट। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये सिंगल का मतलब ये है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक ही ऑर्गेनिज्म टूट के उसके अंदर का सेल ब्रेकडाउन हो रहा है और वो चाहे दो पार्ट्स में टूटे चाहे तीन पार्ट्स में टूटे, कुल मिला के वो टूट रहा है, कुल मिला के उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये जो वर्ड है ना ब्रेकडाउन, दैट मींस उसका फिजन हो रहा है। फिजन का मतलब ही क्या है? ब्रेकडाउन होना। अब फिजन दो टाइप का है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नंबर वन इज बाइनरी फिजन एंड नंबर टू इज मल्टीपल फिजन। सो नंबर वन इज बाइनरी एंड नंबर टू इज मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन हम उस तरफ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है। अब देखो मैं आपको पहले समझाती हूँ कि बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम बोर्ड पे इसकी डेफिनेशन और इसकी थ्योरी जितनी भी वो पढ़ेंगे। बाइनरी का मतलब होता है, देखो फिजन, फिजन वर्ड तो आ ही रहा ना, बाइनरी फिजन, मैंने आपको फिजन का मतलब समझा ही दिया है। फिजन मतलब होता है बेटा ब्रेकडाउन,
टूटना, ठीक है। लेकिन अगर एक सेल सिर्फ दो पार्ट्स में टूट रहा है, ठीक है, वापस सुनो मुझे, एक सेल जब दो पार्ट्स में टूटता है उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। मतलब पेरेंट सेल, पेरेंट का जो सेल है और पेरेंट का जो सेल है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो कितने पार्ट्स में टूट रहा है, दो पार्ट्स में। मतलब एक ऑर्गेनिज्म खुद को दो पार्ट्स में तोड़ रहा है सिर्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल से एग्जाम्पल ले रही हूं, मैंने एक 5 स्टार के सिर्फ दो टुकड़े करे, दो से ज्यादा नहीं करे, दो टुकड़ों में अगर कोई चीज टूटती है तो उसको बोलते हैं बाइनरी। मतलब कोई चीज नहीं, ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे पेरेंट सेल की बात चल रही है कि जब एक पेरेंट सेल दो पार्ट्स में टूट रहा है तो वो बाइनरी फिजन कहलाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, वेन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो चुका है, मतलब पेरेंट तो खत्म हो गया है, पेरेंट ने खुद का सर्वनाश कर लिया और पेरेंट ने तो दो बच्चे दे दिए और पेरेंट तो टूट के दो डॉटर सेल में चला गया है। मतलब अकेले पेरेंट ने डॉटर को जन्म दिया है और अकेले पेरेंट ने दो डॉटर सेल दिए खुद को डिवाइड करके, खुद का ब्रेकडाउन करके, और यहां की भाषा में बोलूं तो खुद का फिजन करके उसने कितने पार्ट्स दिए, दो डॉटर सेल्स दिए। And that process is known as binary fission. And this process is known as binary fission. Binary fission कहाँ देखने को मिलता है बेटा? Bacteria में, protozoa like amoeba and paramecium. हमारे जो हमारी NCERT उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम binary fission पढ़ेंगे। किसमें बेटा? अमीबा के अंदर binary fission पढ़ेंगे, ठीक है। कि अमीबा क्या है, किस कैटेगरी में आता है? प्रोटोजोअन फैमिली को बिलोंग करता है। अमीबा किसको बिलोंग करता है? प्रोटोजोअन फैमिली को बिलोंग करता है। और अमीबा के अंदर असेक्सुअल मेथड ही होता है। असेक्सुअल मतलब ये अकेला पेरेंट होता है और एक अमीबा अकेले एक दूसरे अमीबा को जन्म देता है। लेकिन अमीबा कौन सा प्रोसेस करता है? फिजन करता है। फिजन मतलब अमीबा खुद का ब्रेक डाउन करता है। और फिजन के अंदर भी कौन सा फिजन करता है? ये बाइनरी फिजन करता है। मतलब एक अमीबा अपने आप को तोड़कर और खुद का ब्रेक डाउन कर कितने अमीबा दे सकता है? दो अमीबा दे सकता है। और वापस सुन लो मेरी बात कि अमीबा जो होता है वो कौन सा फिजन करता है बेटा? बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अमीबा के बारे में बताऊं कि अमीबा कौन है, मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि प्रोटोजोअन फैमिली को बिलोंग करता है ये। साथ साथ मैं आपको बताती हूं कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिर्फ कितने सेल से मिलके बना है? एक सिंगल सेल से मिलके बना है। जैसे हम है, ह्यूमन बींग्स है, हम जो ह्यूमन बींग्स है वो मल्टी सेलुलर है। मतलब जो हमारी पूरी बॉडी, आपने पढ़ा है बिल्कुल कि वी आर, मतलब आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स। जब भी तो हमारे अंदर टिश्यूज है दुनिया भर के, नर्वस टिश्यू, ठीक है, मस्क कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो हमारी जो पूरी बॉडी है, सर से लेकर पांव तक जो हमारी पूरी बॉडी है, वो किससे मिलके बनी है? बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है, ठीक है। तो हम मल्टी सेलुलर है, मल्टी मतलब हमारे अंदर बहुत सारे सेल है। लेकिन जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब कितने सेल से मिलके बना है? ओनली वन सिंगल सेल से मिलके बना है, ठीक है। चलो, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, क्या क्या पढ़ लिया हमने अमीबा के बारे में कि भाई अमीबा किसको बिलोंग कर रहा है? प्रोटोजोअन फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, प्रोटोजोआ है। साथ साथ अमीबा असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होता है। असेक्सुअल मेथड्स का मतलब क्या होता है? कई बार अगर आप अमीबा के लिए कुछ लिख रहे हैं, अमीबा के लिए कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो अमीबा के बारे में भी तो लिखो कि भाई अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है, प्रोटोजोअन फैमिली को, बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होता है। असेक्सुअल मेथड तो है ही, अकेला ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसको किसी और पार्टनर की जरूरत नहीं होती, अकेला अमीबा और अमीबा को जन्म दे सकता है और रिप्रोड्यूस हो सकता है। साथ साथ अमीबा बाइनरी फिजन कर रहा है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक अमीबा दो पार्ट्स में टूट सकता है और दो डॉटर सेल्स दे सकता है खुद का ब्रेकडाउन और खुद का फिजन कराकर। दो दे रहा है, इसलिए इस फिजन का नाम कौन सा फिजन है बेटा? बाइनरी फिजन कर रहा है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि फिजन होता कैसे अमीबा में, ठीक है। तो डायग्राम को पहले देखो, ऊपर की जो लिखावट है और जो लिखा हुआ है उसको बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूं सबसे पहले क्या होता है। सुनो पहले मेरी बात। जब अमीबा क्या होता है, जो अमीबा होता है ना, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल से मिलके बना है। सेल के सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलता है और चारों तरफ कौन सा लिक्विड होता है? साइटोप्लाज्म। तो ये अमीबा को देखो, ये इसकी अमीबा की बॉडी है। अमीबा के सेंटर में क्या है देखो? न्यूक्लियस। और चारों तरफ कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है।
फेवरेबल कंडीशंस में, मैंने आपको जब इससे पहले वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखकर आइए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक अकेला पेरेंट ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है और रिप्रोड्यूस करके बच्चा देता है, रिप्रोडक्शन करता है आगे कंटिन्यू, सिर्फ अकेला पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो सिंगल पेरेंट को रिप्रोड्यूस होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, मतलब कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए जो उसके हित में हो, हित मतलब उसके फेवर में हो, उसके अकॉर्डिंग जो जब कंडीशंस होंगे वो दे देगा। सेम अमीबा के साथ भी ऐसा ही, यू नो वेरी वेल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो पढ़ रहे हो, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है और उसी का पार्ट पढ़ रहे हो आप, फिशन, दैट इज बाइनरी फिशन, ठीक है। तो अमीबा भी कहता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होंगी, मतलब जब अमीबा के लिए आसपास की कंडीशंस उसके लिए सूटेबल है और उसके लिए कन्वीनियंट है, मतलब अगर उसको लग रहा है कि भाई जितनी भी आसपास की जो कंडीशन चल रही है एनवायरनमेंट की और जितनी भी कंडीशंस है उसके आसपास उसके हित में है और उसके फेवर में है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि अमीबा ने खुद को तोड़ा और भाई दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स दे दिए, नहीं, सबसे पहले जब भी बाइनरी, वापस सुनो मुझे, जब भी बाइनरी फिजन होगा ना बेटा अमीबा में, जब भी बाइनरी फिजन होगा अमीबा में, सबसे पहले उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस में खिंचाव आता है। अगर किसी चीज को तोड़ना हो तो हम उसको ऐसे खींचते हैं, सेम मान लो उसका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में भी खिंचाव आता है, स्ट्रेच होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी धीरे धीरे खिंच रहा है, खिंचते खिंचते दो पार्ट्स में टूटता है। जिस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस टूटता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस वो प्रोसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले अमीबा में क्या टूटता है, उसके अंदर का न्यूक्लियस टूटता है और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो क्या होता है, देखो न्यूक्लियस खिंच रहा है, पहले न्यूक्लियस था, फिर न्यूक्लियस धीरे धीरे स्ट्रेच हो रहा है, खिंच रहा है, खिंचाव आ रहा है उसमें, फिर धीरे धीरे और बिल्कुल टूटने की एज पे आ गया। जैसे ही न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट जाता है, साइटोप्लाज्म ही खुद को डिवाइड कर देता है, जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है ना साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म भी खुद को धीरे धीरे दो पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जिस प्रोसेस से न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको अपन कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसको अपन साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का टूटना, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन होना। लेकिन सबसे पहले जब भी बाइनरी फिजन होगा ना अमीबा में, जब भी बाइनरी फिजन अमीबा में होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा, और जैसे न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट जाएगा, साइटोप्लाज्म भी खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जिस प्रोसेस से न्यूक्लियस टूटता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म जब टूटेगा दो पार्ट्स में उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और जैसे ही दो पार्ट्स में न्यूक्लियस टूट जाएगा, तो एक अमीबा में दो न्यूक्लियस तो पॉसिबल नहीं है, तो अमीबा भी खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं और आपके पास दो डॉटर न्यूक्लियाई आ जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। आपके पास क्या आ जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के छोटे छोटे दो पार्ट्स आते हैं उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई मतलब बच्चे आ गए न्यूक्लियस के दो, ठीक है। एक अमीबा में दो न्यूक्लियस तो होते नहीं है, तो जैसे न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होगा अमीबा भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और देखो एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा आ गए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से, एक एंटिटी से दो पार्ट्स आ गए, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दो, डिवाइड हो रहा है और ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए नाम है फिजन, दो पार्ट्स में हो रहा है इसलिए नाम है बाइनरी फिजन। तो हमने क्या डिस्कस करा, बाइनरी फिजन इन अमीबा, याद रखना जब भी बाइनरी फिजन अमीबा में होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का होता है, फिर अमीबा दो पार्ट्स में टूट जाता है, ये तीन प्रोसेस ध्यान रखना। अच्छा, अगर तुमसे कभी भी कोई भी पूछे, नॉलेज के लिए लिख सकते हो, अगर थ्योरी लिखना चाहते हो टेंथ में, लाइक बुक से हटकर, एनसीईआरटी से हटकर, किसी रिफ्रेशर को कंसल्ट कर, अगर तुम ये लिखना चाहते हो आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई अमीबा के बारे में भी लिखना चाहते हो, जब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया बाइनरी फिजन अमीबा में एक्सप्लेन करो, तो जरूरी नहीं है शुरुआत कर दी बाइनरी फिजन से कि भाई बाइनरी फिजन वो होता है जिसमें दो पार्ट में टूटता है, शुरू हो गए बस अमीबा लिखना चालू कि नहीं सबसे पहले न्यूक्लियस टूटता है, ऐसे नहीं करना है, तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सबसे पहले अमीबा के बारे में भी लिखना, क्योंकि उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भाई बाइनरी फिजन बताओ अमीबा में, तो बाइनरी फिजन जब आप अमीबा में बताओगे ना, तो अमीबा के बारे में भी तो लिखो कि भाई अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ की फैमिली को बिलोंग करता है, और एक चीज और लिख सकते हो अमीबा के बारे में, आप अमीबा कहां मिलता है,
जितने भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लाइक पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड, लेक, जो फ्रेश वाटर जिनमें ताजा पानी होता है, फ्रेश वाटर में नीचे वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन मतलब नीचे पौधे उगे हुए होते हैं पानी के बॉटम में, नीचे नीचे वहां अमीबा मिलता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अमीबा कहां मिलता है, तो एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो कि इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और इट इज फाउंड इन द वेजिटेशन ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, ताजे पानी का लेक, पॉन्ड, उसके अंदर जो नीचे नीचे बॉटम मतलब नीचे वेजिटेशन उगी हुई होती है, पेड़ पौधे उगे होते हैं, वहां आपको अमीबा पाया जाता है, मतलब इट इज फाउंड इन दैट प्लेस। ठीक है, तो ये भी आप अमीबा के बारे में देख सकते हो। फिर ये पूरी आप लिखना ही है आपको थ्योरी। तो ठीक है, हमने क्या डिस्कस करा, बाइनरी फिशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, असेक्सुअल के मेथड पढ़ रहे हैं। असेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, असेक्सुअल के अंदर भी आप सबसे पहले कौन सा मोड पढ़ रहे हो, आप फिशन पढ़ रहे हो। फिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। और फिशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, वन इज बाइनरी एंड अनदर इज मल्टीपल फिशन। हमने क्या पढ़ा अभी तक, बाइनरी पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, विच फिशन, मल्टीपल फिशन। कि भाई मल्टीपल फिशन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, इतना तो नाम से समझ में आ गया हमारे को। बाइनरी मतलब जब एक सेल दो पार्ट्स में टूटता है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, जब एक सेल बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है, जब एक पेरेंट सेल दो में नहीं बहुत सारे पार्ट्स में टूटेगा, बहुत सारे सेल से डिवाइड होगा। यहां पर कितने डॉटर सेल आए थे, दो डॉटर सेल आए थे। मल्टीपल में दो डॉटर सेल नहीं आते, दो से ज्यादा आते, मोर देन टू, सो मैनी। आप काउंट भी नहीं कर सकते, सो मैनी लिखोगे आप, सो मैनी मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो जब एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, उस फिजन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। फिजन मतलब ब्रेकडाउन, मल्टीपल मतलब बहुत सारे पार्ट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल फिजन, व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू सो मेनी डॉटर सेल्स, देन द प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। वहां लिखा है सो देन द प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। अगर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है वहां पे, तो मैं बता देती हूं, वहां लिखा है कि जब एक पेरेंट सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, जैसे यहां दो में डिवाइड हुआ था तो बाइनरी था। मल्टीपल का मतलब होता है जब एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन कहां देखा था हमने, मतलब कहां डिस्कस करा था हमने, अमीबा के अंदर। सेम वही चीज हम मल्टीपल फिजन कहां डिस्कस करेंगे, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम कहां देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक तरीके का मलेरियल पैरासाइट है, ये तो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, याद है आपने पढ़ा होगा, व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर था जो आपके नाइन्थ क्लास में एनसीईआरटी के अंदर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमें मलेरिया कब होता है, जब हमें फीमेल मच्छर काटता है, फीमेल एनोफिल्स जिनका नाम होता है, वो एनोफिल्स अपनी बॉडी में क्या डालते हैं, प्लाज्मोडियम डालते हैं। ये मलेरियल पैरासाइट है जो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमको मलेरिया, क्योंकि ये मल्टीपल फिजन करता है तो हमारे पूरे ब्लड में फैल जाता है। क्या प्लाज्मोडियम कैसा पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, कीड़ा है, ऐसा कीड़ा जो हमारी बॉडी में जाते हैं, क्या क्रिएट करता है हमारी बॉडी में मलेरिया, में बुखार आ जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या मिक्स हो जाता है, प्लाज्मोडियम। कहां मिलता है ये, फीमेल है, अच्छा ये हमारे लिवर को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, अगर ये लिवर में काफी समय तक रह सकता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो लिवर को भी सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है और लिवर में ये काफी समय तक रह सकता है अगर ये प्रॉपर निकले नहीं और ये डिटॉक्स ना हो तो। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम कैसा, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, कैसे करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं बोला है मैंने, अनफेवरेबल बोला, अनफेवरेबल मतलब जब प्लाज्मोडियम, अच्छा प्लाज्मोडियम के सेंटर में न्यूक्लियस, चारों तरफ कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा प्लाज्मोडियम क्या पता है क्या करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल मतलब जब इसको बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशंस पसंद नहीं आ रही है, मतलब इसके फेवर में नहीं है, तो क्या करता है, ये चारों तरफ अपने एक वॉल बना लेता है, वॉल मतलब एक दीवार खड़ी कर लेता है, मतलब अपने सेल के, इसका ये सेल है सेंटर में न्यूक्लियस, ये प्लाज्मोडियम की बॉडी है, ये चारों तरफ अपने क्या तैयार कर लेता है, एक दीवार खड़ी कर लेता है। इस दीवार को अपन सिस्ट बोलते हैं, CYST, सिस्ट। सिस्ट मतलब एक प्रोटेक्टिव वॉल है, मतलब खुद को बचाने के लिए, खुद के अंदर की बॉडी को बचाने के लिए ये खुद को एक कवरिंग दे देता है, जिसका नाम होता है सिस्ट, वॉल, दीवार, प्रोटेक्टिव वॉल है जो प्लाज्मोडियम को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस इसके फेवर में नहीं होती है तो ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों ओर क्या खड़ी कर लेता है, एक दीवार और वॉल, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये अंदर अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है मल्टीपल टाइम्स, मतलब देखो अंदर एक न्यूक्लियस था, अंदर न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम तैयार हो जाते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम खुद की बॉडी में ही छोटे छोटे प्लाज्मोडियम तैयार कर लेता है। देखो खुद की बॉडी में ही इसने मल्टीपल फिजन कर लिया, इसने अपने खुद की बॉडी के अंदर ही छोटे छोटे प्लाज्मोडियम तैयार कर लिए और डॉटर प्लाज्मोडिया तैयार कर लिए और
जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब कंडीशन इसके फेवर में आ जाती है तो ये अपनी सिस्ट को ब्रेक कर देता है, ब्रेक मतलब तोड़ देता है, सिस्ट ब्रेक हो जाती है और अपनी दीवार को तोड़ देता है। जैसे दीवार टूटेगी तो उसकी पूरी बॉडी में से क्या बाहर आ जाएगा, सिर्फ दीवार रह जाती है। दीवार के अंदर अब देखो, पहले जब वॉल थी इस वॉल के अंदर सिर्फ एक ही सेल था, ठीक है, पर इसने मल्टीपल फिजन करा और इसने एक सेल से बहुत सारे प्लाज्मोडियम तैयार कर लिए। मतलब पहले एक ही प्लाज्मोडियम था, फिर मल्टीपल फिजन करके इसने बहुत सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ और बहुत सारे प्लाज्मोडियम तैयार हो गए। मतलब इसने जैसे एक अमीबा ने दो अमीबा दिए थे तो बाइनरी फिजन, इसने एक प्लाज्मोडियम ने बहुत सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम दिए और जब कंडीशंस इसके फेवर में होती है सिस्ट इसकी टूट जाती है, मतलब अपने वॉल को ही ब्रेक कर देता है और सारे प्लाज्मोडियम कहां आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, प्लाज्मोडिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसने कौन सा फिजन करा, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन मतलब एक प्लाज्मोडियम ने खूब सारे प्लाज्मोडियम दे दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, चाहे दो में हो चाहे बहुत सारे में हो। फिजन फिजन कौन सा मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। मतलब देख लो, अकेले प्लाज्मोडियम ने बहुत सारे डॉटर सेल्स दिए, अकेले अमीबा ने दो डॉटर सेल्स दिए, अकेले नहीं दिए, मतलब दोनों, भले ही ये बाइनरी है ये मल्टीपल है, पर दोनों में ही कौन सा मेथड हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल। जब एक सेल दो में डिवाइड होता है तो बाइनरी, जब एक सेल खूब सारे सेल में डिवाइड होता है तो मल्टीपल फिजन उसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है बाइनरी तो कहते हैं, लेकिन बाइनरी कहां देखने को मिलता है, अमीबा में, जैसे मल्टीपल कहां देखने को मिलता है हमें, प्लाज्मोडियम में। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सप्लेन करा, आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि फिजन का मतलब क्या होता है और दो टाइप के फिजन कौन से होते हैं विद एग्जांपल्स लाइक बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बडिंग और रीजनरेशन की, बडिंग क्या होता है, रीजनरेशन क्या प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो फाइनली हम फटाफट से पहले असेक्सुअल खत्म करेंगे फिर सेक्सुअल पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कॉमेंट जरूर करिएगा कॉमेंट, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, प्रमोट करो आगे मेरे चैनल को भी। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज कॉमेंट करते रहो और मेरे सारे वीडियोज देखते रहो प्लीज, ठीक है। तो प्लीज अप्रिशिएट द एफर्ट्स, जितने भी हमने एफर्ट्स लगाए हैं और प्लीज उसको अप्रिशिएट करिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।